नवरतनपुर गांव एक बहुत ही खुशहाल गांव था। गांव में हमेशा त्योहारों जैसा दिन होता था। पर उस गांव को किसी की नजर लग गई। एक रात अरिहंत अपनी माँ से बोला, माँ मुझे आजकल बहुत अजीब अजीब सपने आते हैं, मुझे बहुत डर लगता है रात को। माँ, बेटा तू डरेगा? पता है तू किसका बेटा है? सुबेदार अजय सिंह का। तुम्हारे पिता का नाम ही काफी था दुश्मनों को डराने के लिए। जा आराम से सो जा। अरिहंत अपने कमरे में सोने चला गया। आधी रात ठीक 12 बजे जब गांव में पूरा सन्नाटा था, तभी अरिहंत के कमरे की खिड़की अचानक से खुली। खिड़की खुलने की आवाज से अरिहंत जाग गया। वो मारे डर के चिल्लाने ही वाला था कि उसके सिर पर किसी का साया पड़ा और वो बेहोश हो गया। सुबह हो जाती है। बेटा उठ जाओ, आज कितनी देर तक सोएगा अरिहंत? अरिहंत के कमरे से कोई आवाज नहीं आती है। अरिहंत की माँ उसके कमरे में जाती है। अरिहंत अपने कमरे से गायब था। वो काफी घबरा जाती है, हर जगह ढूंढती है पर कहीं भी अरिहंत का पता नहीं चलता है। गांव के कई लोग भी उसे ढूंढने में लग जाते हैं पर उन्हें भी कुछ नहीं पता चलता है। धीरे धीरे रात हो जाती है, सभी फिर गहरी नींद सो जाते हैं। तभी अरिहंत के दोस्त सार्थक के घर का दरवाजा कोई खटखटाता है। इतनी रात को कौन आया है? वो जाकर दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खोलते ही वो चिल्लाने लगते हैं। सार्थक दौड़कर अपने कमरे से बाहर निकलता है। पापा किधर हो आप? किधर हो? सार्थक को उसके पापा कहीं दिखाई नहीं देते। सार्थक घबरा जाता है। सुबह तक ये बात पूरे गांव में फैल गई। पहले सूबेदार जी का बेटा अरिहंत गायब हो गया, अब सार्थक के पापा गोपालनाथ गायब हैं। ये हो क्या रहा है इस गांव में? पता नहीं भैया, बच्चे भी गायब हो रहे हैं और बड़े भी। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कौन कर रहा है ये सब और क्यों कर रहा है। अब तो रात होते ही डर लगने लगता है। फिर से रात हो जाती है। अरिहंत की माँ सूबेदार जी की फोटो के सामने रोते हुए अपने बेटे को याद करती है। पहले आप छोड़कर चले गए, अब अरिहंत का कुछ पता नहीं चल रहा, अब मैं किसके लिए जीऊं? तभी बाहर से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ बचाओ, मेरे बेटे को लेकर भाग रहा है, बचाओ! तभी तुरंत अरिहंत की माँ दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है। तभी उसे अपने घर के सामने वाली नाली में बहुत बड़ी पूंछ अंदर जाते हुए दिखी। हल्ला सुनकर गांव के बाकी लोग भी वहां जमा हो गए। तभी हांफते हुए उस औरत ने कहा, मेरा बेटा अपने कमरे में सोया था, तभी उसकी खिड़की झटके से खुली। वो आवाज सुन मैं तुरंत उसके कमरे में गई तो देखा कि मेरा बेटा गायब था और खिड़की से बहुत बड़ी सांप जैसी पूंछ बाहर निकल रही थी। मैं तुरंत दरवाजा खोलकर उसका पीछा करने लगी, पर रात के अंधेरे में पता नहीं किधर चला गया वो। हाँ मैंने भी देखी है बहुत बड़ी पूंछ इस नाली में अंदर जाते हुए। ये नाली तो गांव के बाहर नदी में जाकर खुलती है, हमें तुरंत वहां चलना चाहिए। वो जो कुछ भी है उसके बाहर निकलने से पहले हमें वहां पहुंचना होगा, तभी कुछ पता चल पाएगा। जल्दी चलो। गांव वाले नदी की तरफ भागे और नाली से उस पूंछ के निकलने का इंतजार करने लगे। इंतजार करते करते सुबह हो गई पर नाली के बाहर कोई नहीं थी। भैया लगता है वो जो भी है हम लोगों से काफी तेज दौड़ता है, हम लोगों के पहुंचने के पहले ही वो नाली से निकल गया होगा। अब यहाँ बैठकर इंतजार करने से कोई फायदा नहीं है, चलो अब घर चलकर कोई उपाय सोचें। तुम लोग जाओ भैया घर, मैं अपने लाल निखिल का यही इंतजार करूंगी। मेरा भी अब इस दुनिया में कहाँ कोई है,
मैं भी अपने बेटे का यही इंतजार करूंगी। गांव वालों ने बहुत समझाया पर वो दोनों नहीं मानी और वहीं रुकी रही। धीरे धीरे रात हो चली थी। निखिल और अरिहंत की माँ को नदी के किनारे ही नींद आ गई। अचानक उस नदी में गजब की रोशनी निकली। उस रोशनी से दोनों की नींद खुल गई। तभी उस रोशनी ने एक चुड़ैल का रूप ले लिया जिसके नीचे का शरीर सांप की तरह था। इस भयानक चुड़ैल को देख वो दोनों महिलाएं काफी डर गई। फिर उस चुड़ैल ने चलना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उस नाले की तरफ बढ़ने लगी। तभी अरिहंत की माँ ने कहा, इस चुड़ैल को हमें नाले में जाने से रोकना होगा, नहीं तो ये आज फिर से किसी को गायब कर देगी। ऐसा कहते हुए अरिहंत की माँ नाले के मुंह के सामने जाकर खड़ी हो गई। कौन है तू? हट जा मेरे रास्ते से, नहीं तो बेमौत मारी जाओगी। मेरा बेटा कहाँ है और कौन हो तुम और ये सब क्यों कर रही हो? मेरे पास इन फालतू बातों के लिए अभी समय नहीं है। ये कहते हुए चुड़ैल ने उसे अपनी पूंछ से एक जोरदार झटका मारा। अरिहंत की माँ कुछ दूर जाकर गिरी और बेहोश हो गई। तभी निखिल की माँ भी उस चुड़ैल पर कुछ पत्थर से वार करने लगी। चुड़ैल गुस्से में आ गई और उस पर काफी ज्यादा जहर उगल दिया। निखिल की माँ पर जहर गिरते ही उसका शरीर सड़ने लगा। वो चिल्लाने लगी। उसकी चीख सुनकर गांव वाले वहां आ गए और उसके शरीर को ऐसे सड़ते देख गांव वाले काफी डर गए। निखिल की माँ ने चीखते चीखते दम तोड़ दिया। तब तक अरिहंत की माँ को भी होश आ गया। वो होश में आते ही बोली, वो सांप वाली चुड़ैल गांव की तरफ गई। हम लोगों को जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो फिर आज भी वो किसी को गायब कर देगी। पर करें क्या हम लोग? देखा नहीं किस तरह उसने निखिल की माँ के शरीर को पूरा सड़ा दिया। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बस जितना जल्दी हो सके इस गांव को छोड़कर कहीं भागना होगा। नहीं, एक उपाय है, हमें तुरंत निरंकारी बाबा को बुलाना होगा। चलो मेरे साथ। सभी निरंकारी बाबा के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। मेरा नाम है बाबा निरंकारी, पढ़ता हूं सब पर भारी। चलो उस स्थान पर, जरा हम भी देखें। निरंकारी बाबा तुरंत गांव वालों के साथ उस नदी पर पहुंचे और उस नदी का पानी हाथ में लेकर कुछ मंत्र पढ़ने लगे। तभी वो चुड़ैल वहां प्रकट हो गया। मरने आ गया इन गांव वालों के साथ। मेरा नाम है बाबा निरंकारी, पढ़ता हूँ सब पर भारी। कौन मरेगा कौन बचेगा बाद में देखेंगे, पहले तू बता तू है कौन? मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। मैं और मेरा प्रेमी दोनों इस नदी के किनारे प्रेम क्रीड़ा कर रहे थे। तभी एक सपेरा आया और मेरे प्रेमी को कैद कर हमारी नागमणि भी ले गया। तब से मैं उसकी दासी हूँ। वो जो करने को कहता है मैं करती हूँ। वो पूरे गांव के लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहता है। चुड़ैल रोने लगी। तुम्हारे साथ न्याय होगा। निरंकारी बाबा किसी मंत्र का जाप करने लगे। वहां एक सपेरा प्रकट हुआ। किसने मेरी शैतानी साधना में विघ्न डाला, मैं उसे खत्म कर दूंगा। मेरा नाम है बाबा निरंकारी, पढ़ता हूँ सब पर भारी। अच्छा तू, अभी करता हूँ तुझे ऊपर भेजने की तैयारी बाबा निरंकारी। सपेरे ने निरंकारी बाबा पर एक आग का गोला फेंका। बाबा ने भी उसे जवाब में कुछ शक्ति फेंकी। दोनों में कई शक्तियों से भीषण लड़ाई हुई। बाबा ने फिर एक मंत्र पढ़ा। एक पिंजरा जिसमें हर तरफ से आग निकल रही थी अचानक प्रकट हुआ और सपेरा उसमें कैद हो गया। वो दर्द से चीखने लगा, बचाओ बचाओ मुझे, जो
जो तुम कहोगे वही मैं करूंगा, बचाओ। मेरा नाम है बाबा निरंकारी, पढ़ता हूँ सब पर भारी। गांव के जितने लोग गायब हुए हैं सबको वापस लौटा दो, और इस नागिन का प्रेमी नाग और उसकी नागमणि भी लौटा दो। अगले ही पल गांव के सभी लोग वहां प्रकट हो गए। नाग भी अपने नागमणि के साथ वापस आ गया। अब छोड़ दो मुझे, मैं जल रहा हूँ। अब कसम खाओ कि आज से बुरे कर्म नहीं करोगे और किसी कमजोर को नहीं सताओगे। मैं वादा करता हूँ अब ऐसा नहीं करूंगा। बाबा ने उसे आजाद कर दिया। नाग और नागिन के साथ साथ गांव वालों ने भी बाबा का शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी वापस जाने लगे। तभी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बाबा। उसने बाबा पर एक शक्ति से उनके पीठ पर चला कर दिया। नागिन ने ये देख लिया, वो तुरंत बाबा के पीछे जाकर खड़ी हो गई। स्पेरे की शक्ति सीधे उस पर और वो वहीं बेहोश हो गई। बाबा ने भी तुरंत पलट कर सपेरे पर एक शक्ति से वार किया। सपेरा वहीं चलकर भस्म हो गया। बाबा ने अपने कमंडल से पानी की कुछ बूंदें मंत्र पढ़ते हुए नागिन पर डाली। नागिन को होश आ गया। नाग नागिन दोनों वापस नदी में चले गए। गांव वाले भी वापस गांव आ गए और सभी खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो ऐसी और भूतिया वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी बेल आइकन दबाएं क्योंकि डरना जरूरी है।